वेलकम बैक टू यूट्यूब तिवारी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। और हमें यकीन है कि आपके बोर्ड एग्जाम के जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम जानेंगे जो हमारी क्लास 12th का इंग्लिश का एग्जाम पेपर आएगा वो कैसा आएगा, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, किस तरह से आएंगी, और हमें उस एग्जाम पेपर को कैसे करना है जिससे कि हम उसमें पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो आज हम जानते हैं चलिए कि कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे लिटरेचर की। लिटरेचर में आपके तीन पार्ट हैं, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। तो देखिए, जो आपका प्रोज है, जो प्रोज का सेक्शन आएगा उसमें क्या चीजें आएंगी आपकी, पैसेज आएगा, एक पैसेज आएगा एक, और शॉर्ट आंसर आएंगे, शॉर्ट आंसर आएंगे आपके दो, और एक लॉन्ग आंसर आएगा, यानी तीन लॉन्ग आंसर दिए होंगे उसमें से किसी एक को आपको करना होगा। ठीक है, ऐसे एक शॉर्ट आंसर, सॉरी दो शॉर्ट आंसर आएंगे और एक पैसेज आएगा। पैसेज जो आएगा आपका, उसके नीचे आपको तीन चार क्वेश्चन दिए होंगे कम से कम, और उन चार क्वेश्चनों का जो आंसर होगा वो आपको पैसेज में से छांट के लिखना है। अब देखिए, पैसेज करने का तरीका क्या है हमारा, पैसेज ये नहीं करना, हमें पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, जो क्वेश्चन दिया होगा उसको अच्छे से रीड करना है, उसके बाद में उसका आंसर पैसेज में ढूंढना है। ऐसा नहीं करना हमें कि हमने तीन चार लाइन का आंसर लिख दिया, ठीक है, कहीं पे देखा कि ये वर्ड आ रहा है और एकदम वही आंसर लिख दिया तीन चार लाइन का, और उसमें से वो आंसर कहीं भी नहीं है। तो क्या करना है, पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद में ही उसके आंसर क्या करने हैं, हमें फाइंड आउट करने, यानी ढूंढने हैं। उसके बाद आता है आपका पोइट्री। ठीक है, पोइट्री में आपका एक पैसेज आएगा पोयम से, उसमें आपको जो क्वेश्चन पूछे होंगे, एक क्वेश्चन उसमें होगा आपका फिगर ऑफ स्पीच से, जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच होती है ना, सिंबली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ये सब जो होती है, उसमें से एक क्वेश्चन पूछा होगा कि इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज करा गया है, या फिर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में है। उसके बाद आएगा आपका सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया तीन आएंगे, तीन में से किसी एक सेंट्रल आइडिया को आपको करना होगा। माय मदर एट 66 हुआ, द थिंग्स वर ब्यूटी हुआ, ये तो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोयम है, इसका सेंट्रल आइडिया आप जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद आता है हमारा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में भी हमारा क्या आएगा, एक लॉन्ग आंसर आएगा और एक शॉर्ट आंसर आएगा। उसके बाद आता है हमारा ग्रामर का बोर्ड सेक्शन। ठीक है, ग्रामर क्या है आपकी, ग्रामर सबसे ज्यादा आएगी। ग्रामर में एक पैसेज आएगा जिसको हम अनसीन पैसेज भी कहते हैं, सेम पैसेज प्रोज की तरह ही हमें इसे भी करना है। उसके बाद है हमारा एसे, आर्टिकल, रिपोर्ट, इन तीनों में से कुछ भी एक आ सकता है, या तो एसे आ जाएगा, या आर्टिकल आ जाएगा, या फिर रिपोर्ट लिखने को आ जाएगी किसी भी टॉपिक पे। लेटर या एप्लीकेशन जो भी आपका सिलेबस में होगा, दोनों में से कोई एक चीज करनी होगी, हमें लेटर करें चाहे एप्लीकेशन करें। आपको पता है कुछ लेटर्स जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अनसोशल एलिमेंट्स हुआ, और आपका फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन का था, ये जो लेटर्स हैं हमारे, ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेटर है। उसके बाद है आपका नरेशन, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमने आपको पहले ही करवा रखे हैं, जाके हमारी जो प्लेलिस्ट है ग्रामर की उसमें आपको मिल जाएगी वीडियो नरेशन की, पैसिव वॉइस की, और आपकी क्या आएंगी, डिग्री आएगी। कोई भी सेंटेंस दिया होगा उसके आगे लिख देंगे आपको कि इसे कौन सी डिग्री में आपको चेंज करना है। उसके बाद आएगा रिमूव टू। रिमूव टू यानी ये जो टू होता है हमारा एडवर्ब, उसको रिमूव करने कैसे करेंगे, ये आएगा। उसके बाद आएगा कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कंपाउंड, यानी कोई भी सेंटेंस दिया होगा उसके आगे क्या लिख देंगे कि हमें क्या करना है, इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, सिंपल में करना है, कंपाउंड में करना है, या फिर क्या नाम है, इंट्रोगेटिव में करना है, ये कुछ भी दे सकते हैं उसके आगे कि कौन सा सेंटेंस इसमें चेंज करना है, और आपको चेंज करके लिखना होगा। एक स्टोरी आएगी जिसमें जिसे हमें क्या करना है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अनेक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ऐसा कुछ होता है, वो आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और आएगा हमारा करेक्ट इनकरेक्ट, यानी कोई भी एक सेंटेंस दे दिया होगा इनकरेक्ट, उसको आपको करेक्ट करके लिखना है। उसके बाद आया हमारा एंटोनियम्स और सिनोनियम्स। एक या दो एंटोनियम्स आएंगे, एक या दो सिनोनियम्स आएंगे आपको। उसके बाद है होमोफोन्स। होमोफोन्स आएंगे हमारे, यानी कि जो वर्ड क्या होते हैं बोल जिनकी बोलने में तो वो सिमिलर होते हैं, बट जो उनकी मीनिंग होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, यानी अलग अलग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोफोन्स होते हैं, यानी जिनका प्रोनाउंसिएशन तो एक जैसा होगा
बट उनकी जो मीनिंग है, जो स्पेलिंग है, दोनों क्या होती है, वो डिफरेंट होंगी। तो ये क्या है आपका ग्रामर का और लिटरेचर का दोनों के जो सेक्शन होंगे हमारे, उसमें ये चीजें आएंगी। उसके बाद देखिए, जब भी हम कोई लॉन्ग आंसर या ऐसे करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हो सके आपसे तो उसे हेडिंग डाल के ही करें। यानी कोई भी लॉन्ग आंसर या ऐसे कर रहे हैं तो उसमें हेडिंग जरूर डालें। अगर आप हेडिंग डाल के करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी हम लॉन्ग आंसर या ऐसे करते हैं तो उसमें क्या करना है, हमें पहले हम हेडिंग डाल लें, उसके नीचे उसका उसके बारे में डिस्क्राइब करना शुरू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम हेडिंग्स डाल लेंगे और उसके बाद नीचे करना शुरू करेंगे तो जो भी आपकी नोटबुक चेक करेगा वो क्या देखेगा, देखेगा पहले आपकी हेडिंग्स जितनी भी होनी चाहिए आपकी, जो भी हो वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, एकदम साफ राइटिंग में होनी चाहिए, और जो भी हेडिंग्स है उसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, इंग्लिश के एग्जाम पेपर में आपको क्या नहीं करना, बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है। यानी हम कोई भी वर्क जब करेंगे तो कैसे करना है, हमें उस चीज को अच्छे से पढ़ना है स्टोरी की तरह। जितने भी हमारे जो लॉन्ग आंसर हैं उन सभी की चैप्टर्स को हमें अच्छे से एक स्टोरी की तरह, एक कहानी की तरह, जैसे हम हिंदी में इंटरेस्ट लेके कहानियां पढ़ते हैं, कोई भी कहानी पढ़ते हैं, इसी तरह हमें इंग्लिश में भी उन चीजों को पढ़ना है, समझना है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। रट्टा बिल्कुल नहीं मारना, क्योंकि जब आप रट्टा मार लेंगे तो क्या होगा, जब आप वहाँ पे एग्जाम में आपकी कोई चीज आएगी और आप करने बैठेंगे तो आप बिल्कुल इस तरह से क्या हो जाएंगे, वहाँ पे भूल जाएंगे। और अगर आप भूल गए एक वर्ड भी, अगर रट्टा मारने का आप भूले ना, तो क्या हो जाता है, हमारा जो पेपर है वो वहीं का वहीं रह जाता है, हमें आगे समझ में नहीं आता कि क्या करना है। तो इसलिए क्या करना है, हमें पूरी लॉन्ग आंसर जितने भी हैं, जितने भी ऐसे हैं, सबको अच्छे से पढ़ना है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। दूसरी चीज, इंग्लिश में हमें जो हमारी स्पेलिंग की एरर्स होती है, यानी जो हम मिस्टेक करते हैं स्पेलिंग्स के, उनसे बचना है, उन्हें जितना हो सके आप वो जो एरर्स हैं आपको उसको पूरी तरह से खत्म कर दीजिए। दूसरी चीज, आपको क्वेश्चन पेपर देख के अगर आपको लगता है कि बहुत हार्ड पेपर आया है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस क्या करना है, आप अपनी समझ से पेपर को करना है, इधर उधर बिल्कुल भी तामझाप नहीं करनी है, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, आपको बता दी हमने पहले ही, राइटिंग को अपनी अच्छे से लिखना है, यानी क्लियर राइटिंग लिखनी है, जो चीज आपको आती है अच्छे से, जिसके बारे में आपको पता है कि इस चीज को मैं 100% कर लूंगा, इस चीज में मैं परफेक्ट हूँ, उसी चीज को आप पहले करें। ऐसा नहीं है कि कोई चीज नहीं आती हमें, हम उसे पहले करके बैठ गए ना, और क्या है वहां पे हमारी मिस्टेक ही मिस्टेक है सारी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, जो चीज हमें आ रही है, जिस चीज के बारे में हम परफेक्ट है, उन चीजों को ही हमें पहले करना है, जो चीज नहीं आती उसको लास्ट के लिए छोड़ दीजिए, उसको लास्ट में कीजिए। तीसरी बात क्या है हमारी, जब भी हम कोई भी आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, हमें पूरी एक लाइन में बड़ा सा यहाँ पे आंसर नंबर डालना है, ठीक है, यहाँ पे आंसर नंबर डालना है, उसके ऊपर सेक्शन डालना है उसका, और उसके नीचे क्या करना है, हमें आंसर लिखना शुरू करना है। ऐसा नहीं करना आपको कि कहीं पे छोटा सा आंसर नंबर डाल दिया और उसके बराबर में आंसर कर दिया, क्योंकि जो आपकी कॉपी चेक करेगा उसे क्लियर ही पता होना चाहिए कि कौन सा आंसर नंबर है। अगर उसे पता ही नहीं चलेगा कौन सा आंसर है कौन सा आंसर नंबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा वहां पे, उसे कॉमन सी बात है कि उसे गुस्सा आएगा, तो वहां पे आपके नंबर वो काट देगा। तो जब भी हम इंग्लिश का पेपर देंगे तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरी चीज, बिल्कुल भी नहीं डरना आपको, आपको हमेशा आपका 100% देना है, अपनी समझ से करना है, ये फर्क नहीं पड़ता आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं उसमें, आप बस ये सोचो आप अपना 100% दोगे। यानी जब आप अपना 100% दोगे अपने पेपर में, तो कॉमन सी बात है कि आपके जो मार्क्स हैं वो भी बहुत अच्छे आएंगे। सबसे बड़ी बात, अपना टाइम टेबल बनाइए। जब तक आपका टाइम टेबल नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स को आपको इक्वल टाइम देना है। ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट हमने 3-4 घंटे पढ़ लिया, कोई हमने 10 मिनट ही पढ़ा है, तो ऐसा नहीं करना। सारे जो सब्जेक्ट्स है हमारे उसको इक्वल टाइम देना है। जब हम इक्वल टाइम देंगे तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो भी क्या होगी, बहुत अच्छे से होगी। तो ये है आपके इंग्लिश के बारे में कुछ टिप्स थी हमारी, कुछ ट्रिक थी हमारी। आई होप कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, और इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करेंगे, इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छी होगी। और आपके जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो हमारे जो ग्रामर की प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएंगे, एक बार जरूर देखिएगा। और तिवारी क्लासेस की तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और हमें यकीन है कि आप अपने जो बोर्ड के एग्जाम्स होंगे इंग्लिश में उसमें
इंग्लिश में क्या है, एटलीस्ट सारे सब्जेक्ट में आप पूरे 100% मार्क्स लेके आएंगे। तो ये क्या है, हमारी तिवारी पूरी तिवारी क्लासेस की क्या है, आपको बेस्ट विशेस है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस। टेक केयर एंड बाय बाय।